संतो मुकाम पर गया ने सौनी विनंती थी, श्रीहरि थोड़ी रबड़ी जम्या। प्रथम दिवसे नवटांक, पछी एक एक ग्रास वधारता गया। आ प्रमाणे 10 दिवस पछी उठवा बेसवानी शक्ति आवी। पछी 10-20 पगला चालवा मांड्यू। मलमलना वस्त्र धारण करता, सूरोखार 10-12 घड़ा भरी रखातो, तेमा शुद्ध जल भरेला नाना पात्र मुकवामा आवता, जेथी जल हिम जेवू ठंडू रहतू ते पीता। पछी शेरडी खावा मांडी, ते जोई निष्कुळानंद स्वामीए एक गज नानू सरखू कोलू बनाव्यू, तेमा शेरडी पीलीने रस काढ़ीने एक कटोरो आपता ते पीता। दाड़मना 2 दाणा पण खाता, केरीने संभारता, पण फळ नाना हता तेथी ते मळी शकी नहीं। भावनगर में रूपाभाई अने राजाभाई तथा झीणाभाई श्रीमाळी विप्र हता। तेमणे श्रीहरि ने ताव आववा मांड्यो, त्यारथी सूरत थी सोनेरी केळा मंगावी मोकलेला ते श्रीहरि भावथी जमता। पछी एक दिवस संध्या वखत थयो त्यारे संतोने दर्शन देवा साधुनी जग्यामा श्रीहरि पधार्या ने संतोने राजी कर्या, पण गरम पवन वावा लाग्यो एटले त्यांथी चाली निसर्या। श्रीहरि कहे, अग्नि जेवो गरम पवन अमने लागे छे, विचरण करता संतोने कहशो के तापमा फरे नहीं, तेमा मृत्यु थई जाय एवो काळ वर्ते छे। एक वरसाद थाय पछी बोलाव्या विना पण अमारे दर्शने आववू एवो पत्र लखाव्यो। उत्तम राजाना दरबारमा चौकमा पाणी छंटातू, सांजे त्यां सभा थती। हरिजनो फूलना हार श्री हरिने पहेरावता। पोताना निवासस्थान नजीक एक कूवो करावा मांडेलो, तेमा खूब पाणी आव्यू। 10 दिवसमा पत्थरथी आ कूवो चणी दीधो। थोड़ा वखतमा वरसाद पण आव्यो अने उष्ण काळ वीती गयो। श्री हरिना दर्शन माटे संतो आववा लाग्या। त्यां द्वितीय जेठ मासमा भीम एकादशी आवी एटले श्रीहरिए सभा बोलावी। दादा खाचरना दरबारमा वासुदेव नारायणना भवनना चौकमा घेला नदीमाथी रेती लावीने पाथरी अने जळनो छंटकाव कर्यो। वासुदेव नारायणना भवनना चौकथी लिंब वृक्ष सुधी मंडप रचीने छायो कर्यो हतो। 10-12 माटीनी घड़ियो जळथी भरीने तेमा वरियाळी घूंटीने नाखी ने तेने शीतळ बनाव्यू हतु। वीरणना वाळा बांधवामां आव्या हता। त्यां श्री हरि सवार सांज सभा करता, गरबीना कीर्तनो वाजा साथे गवडावता। जेने तरस लागे तेणे आ शीतळ जळ पीवू, अने जेने निद्रा आवे तेणे सभानी पाछळ जई उभा रहेवू। जो निद्रा आवे छतां न उठे तो पासे बैठेलाए उठाड़वा। ऊभा थया छतां निद्रा आवे तो 10 दंडवत करवा, अने दंडवत करवा छता ऊँघ आवे तो उन्मत्त गंगा में नाही आववू, अने छता ऊँघ आवे तो सभा में न आववू तेवो आदेश आप्यो।